तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता अपने महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन के लिए दिल्ली में मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने पहुंचा था। जब टीएमसी नेताओं की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो वो कृषि भवन के अंदर धरने पर बैठ गए। पहले पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से कृषि भवन को खाली करने को कहा। जब टीएमसी नेता नहीं माने और नारे लगाने लगे, टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी को एक बस में भरकर किंग्सवे कैंप स्थित उत्सव भवन में ले गई। टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले जाने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिस अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को टांग कर ले जाती नजर आ रही है। पुलिस जब टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही थी तब सभी नारे लगाते सुनाई दे रहे थे। वही अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने उन्हें मिलने का समय दिया था, इसके बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। इस बीच पुलिस ने पार्टी नेताओं को वहां से निकालने की कोशिश की लेकिन उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। इसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के साथ हमारी मीटिंग तय थी। हमने 90 मिनट तक उनका इंतजार किया लेकिन बाद में हमसे कहा गया कि वो मुलाकात नहीं कर पाएंगी।